नलकी है, मछली है, चांप है, नलकी है। मछली? हाँ जी, पीस का नाम होता है। अच्छा, लाइव तड़का लगाते सर आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, मटन के पीस का नाम मछली, दिखाएंगे कौन सा है मछली वाला पीस? ओए होए होए, क्या बात है, रंग रोगन देखो यार, आप दिखा नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं अभी खा दूंगा। तो हाँ जी दोस्तों, आज हम आए हैं चंडीगढ़ में सेक्टर 23 में सबसे पुराने ढाबे पर, भाई साहब चाचा जी का ढाबा, जो बड़ा वायरल है, प्रचलित है अपने टेस्ट के लिए। हाँ जी नमस्कार चाचा जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, बढ़िया 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 जी। हाँ जी, सबसे पहले अपना नाम बता दो, सब चाचा जी कहते हैं आपको। नाम क्या आपका? महेंद्रपाल जी। महेंद्रपाल जी, क्या बात है सर, ये कौन सी थाली लगा रहे हैं? ये लगा रहे वेज थाली है। हाँ जी वेज थाली। हाँ। लोग कहते हैं कि आपके पास मटन और चिकन बड़ा फेमस है, वायरल है। हाँ जी, लोग बड़े दूर से खाने के लिए आते हैं, ये बात सच है? सही बात है, ये सच है। सही बात है। हाँ, तो लोग वेज के लिए भी आते हैं? हाँ जी। अच्छा क्या बात है, क्या क्या डाला थाली में आपने? ये राजमा और दाल। राजमा और दाल, चावल। हाँ जी। और सर कितने साल पुराना ढाबा आपका? 40 साल हो गए है। 40 साल हो गए हैं। हाँ। क्या बात है, तो सर आप ही हैंडल करते हैं, आप ही बनाते हैं खाना खुना? हाँ जी हाँ जी। तो ये मसाले जायका किसने शुरुआत करी थी, आपके पिताजी ने की आपने? हाँ जी, ले लो छोड़े। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, वो फोटो किसकी है जी? तो डैडी साहब, डैडी की। तो डैडी जी ने कौन से सन में खोला था ये ढाबा? 70-72 की बात है ये। 1970 और 72 की बात है। हाँ। और ये सर ये कौन सा चूल्हे में आपने क्या चीज रखी है जी? मटन जी। मटन चला के दिखाएंगे जी एक बार? ओ भाई साहब, ये चेक करो यार, ग्रेवी बड़ी जबरदस्त है जी। ओए होए, पीसीस भी जबरदस्त हैं। ये हड्डी वाला पीस है, चांप है, गोल है, नलकी। ऊपर उठा के दिखा दो सर मेरे को, तो आप दिखा नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं अभी खा दूंगा। नलकी है, मछली है, चांप है, नलकी है। मछली? हाँ जी, इसमें पीस का नाम होता है। अच्छा, पीस का नाम मछली होता है? हाँ, क्या बात है, मटन के पीस का नाम मछली, दिखाएंगे कौन सा है मछली वाला पीस? ये है। हाँ जी, ये चांप का है। ये चांप का है। तो सर ये मसाले मुसले कौन से डालते हैं कि लोगों की भीड़ लगी रहती है, पूरा चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दूर दूर से खाने के लिए आता है आपके पास, ऐसा क्या डालते हैं चिकन मटन में आप? हम अपना ही मसाला पीसते हैं। अपना ही मसाला पीसते हैं? हाँ। अच्छा जी, और चिकन भी रखते हैं? हाँ जी। अच्छा दिखाएंगे सर? जरूर जी। ढाबा सर छोटा है पर दीवानगी पूरी लगी रहती है आपके पास, है ना? हाँ जी हाँ जी। ये चिकन है? ये चिकन है। हाँ जी, दिखाएंगे चला के सर? क्या बात है सर, ऐसी बात नहीं कि ग्रेवी अलग अलग है सबकी। हाँ जी, चिकन मटन की, वो चिकन वाली ग्रेवी सेम नहीं डाली अपने मटन में, या मटन वाली ग्रेवी चिकन में नहीं है ना? नहीं नहीं, अलग 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 है। हाँ जी। क्या बात है सर, और क्या क्या रहता है आपके पास खाने के लिए? मटन है, चिकन है जी, खरोड़ा है। खरोड़ा भी है? हाँ जी। सर गर्मियों में खरोड़ा सब चलता है? सब चलता है। हाँ जी। ये किस में तड़का लगा रहे जी? ये कड़ी में, कड़ी ये इधर खरोड़ा है इधर। अच्छा ये खरोड़ा चला, खरोड़ा चेक कर लो। तो सर ये खरोड़ा खाने के लिए बनाया कि दिखाने के लिए? खाने के लिए बनाया है ये। खाएंगे लोग? बिल्कुल बिल्कुल। आज खत्म हो जाएगा ये? ये तो कम पीस है। कम पीस है? हाँ। ये तो बिक जाएगा। हाँ जी। अच्छा ये तो लाइव तड़का लगाते हैं? हाँ जी। लहसुन प्याज डाल दिया आपने, हरी मिर्ची डाल दी, ये वेज के लिए लगा रहे हैं कि? हाँ, चिकन के लिए? वेज के लिए। वेज वेज के लिए। तो सर ये विशेषता बताओ, खासियत क्या आपके ढाबे की? ये चाचा जी के नाम से मशहूर है, डैडी के नाम से। अच्छा, डैडी को प्यार से आपके डैडी को चाचा जी कहते थे? हाँ जी हाँ जी, उस टाइम से मशहूर है। हाँ जी। और ये भाई साहब ये देखो, ये जो असली मसाले रोगन, ये कड़ी पकौड़ा आ गया। अच्छा लाइव तड़का लगाते सर आप? हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ जी। ओए होए होए, क्या बात है, रंग रोगन देखो यार कड़ी का। सर ये कड़ी दही की रहती है कि लस्सी की? लस्सी की होती है। लस्सी की होती है? हाँ जी। सर ढाबा कितने बजे ओपन होता है? सवेरे 7 बजे। 7 बजे? हाँ जी। अच्छा जैसे मटन चिकन भी खाना तो लाइव तड़का लगा के देंगे? वो तो पहले तैयार होता है। वो पहले तैयार रखा है? क्या बात है सर। सर आपकी एज कितनी होगी? मेरी 62 साल होगी। 62? हाँ जी। 62 की एज आपकी, और अभी भी इतनी मेहनत कर रहे हैं जी, है ना? हाँ जी। प्राइस क्या रहता है जी थाली का? थाली का 70-60 रुपये ऐसे। 70 रुपये? ये 70 रुपये की प्लेट लग रही है? 60 रुपये। 60 रुपये जिसमें राइस आ गया जी सबसे पहले, रोटी चले गई इधर, और रोटी आ गई, कड़ी आ गई जी। अच्छा कड़ी बची हुई प्लेट में भी दे देते हैं? इन्होंने सब्जी नहीं लेनी ना, और इन्होंने सब्जी कड़ी कड़ी लेनी है, कड़ी कड़ी लेनी है। तो सर ये दिखाएंगे वेज आइटम, दिखाएंगे एक बारी वेज? हाँ जी वेज आइटम। ये लो जी, ये देखो सबसे पहले राजमा। ये राजमा आ गई जी? हाँ जी। चित्रा राजमा रहती जी? हाँ जी हाँ जी। क्या बात है, क्या राजमा। ये कड़ी, ये कड़ी पकौड़ा आ गया जी? हाँ जी। ये कड़ी पकौड़ा जी, ये चावल सादा चावल से, सादा चावल जी। और ये दाल है जी, दाल को तड़का लगा देते हैं बाद में, ये तड़का लगाते हैं। तो सर सबसे ज्यादा लोग क्या खाते हैं, वेज की नॉन वेज? सारा कुछ चल जाता है, नॉन वेज भी, वेज भी। तो लोग आपके लिए छोड़ देते हैं कि सब कुछ खा जाते हैं? हाँ जी, हमारे लिए तो बाद में बचना, जो हो ही मिलेगा। अच्छा जो बच गया वही खा लेते हैं। तो सर आप रहने वाले शुरुआत से चंडीगढ़ के कहाँ के हैं? नहीं नहीं, नंगल। नंगल के? हाँ जी। अच्छा नंगल से चंडीगढ़ कैसे आए? हमारे डैडी होते हमारे को साथ ले आए इधर।
अच्छा पिताजी लेके आ गए आपको ना। हाँ जी हाँ जी। मैंने एक चंडीगढ़ में एक हिडन जायका ढूंढ निकाला है, हिडन जैम ढूंढ निकाला है चंडीगढ़ वालों के लिए भाई साहब। और चाचा जी के ढाबे पर इतना जबरदस्त खाना मिलता भाई साहब, सुबह से मॉर्निंग से अर्ली मॉर्निंग से शुरुआत हो जाती वेज की, और अगर नॉन वेज की बात करी जाए ना तो दोपहर शुरू होती है, दोपहर से लेकर शाम तक मेला लगा रहता है। और चाचा जी इतने पुराने ओल्ड ट्रेडिशनल टाइप ये थिक ग्रेवी बनाते हैं, चिकन हो मटन की हो सबकी ग्रेवी अलग रहती है, ऐसे नहीं रहती कि चिकन वाली ग्रेवी मटन में यूज करते हैं। तो नवा नवा जायका नवा नवा कंटेंट दिखाते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। सर एक बार लोकेशन एड्रेस बता दो, किसने खाने के लिए आना, कहाँ पर आएगा ये मंदिर? सनातन धर्म मंदिर। अच्छा जी सामने। सर आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू जी।